वेलकम टू एंड्रॉइड स्केचवेयर मास्टर गाइस। तो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बढ़िया रहेंगे। आज का न्यू वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर एंड शानदार है। आप लोग को ये वाला प्रोजेक्ट देने वाला हो जो कि हर एक तरीके से जो है बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है। हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वाला वीडियो कंटिन्यू है। यहाँ पर आप लोगों को सीखने की चीज़, आप लोगों को दिखाने की चीज़ हम आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंजेक्टर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और नेक्स्ट आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बटम एनिमेशन है ये आप खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं, ये आप लोगों को सिखाएंगे। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पर दिया हुआ लिंक पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लेना है। प्रोजेक्ट पर ऐसे छोटे से पासवर्ड दिया गया है, पासवर्ड आप लोगों को वीडियो के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ये वाला एक फ्लोटिंग विंडो शो हो रहा है। एंड पिछले वीडियो में हमने दिखाया था लीनियर शैडो कलर कैसे चेंज कर सकते हो, वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लेना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हम आपको दिखाएंगे टेक शैडो, बहुत ही शानदार टाइप से टेक शैडो को कैसे आप बना सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार है टेक शैडो और ये वाला प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बातों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। स्केच वेयर को आप लोगों को ओपन कर लेना है आपके पास अगर स्केच वेयर है तो। एंड आप लोगों को क्या कर देना है, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना है या फिर आप लोगों को मिल जाएगा हमारा प्रोजेक्ट रेस्टोर कर लेना है। इस टाइप का जो प्रोजेक्ट है, रेस्टोर करने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पर इवेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड आप लोगों को क्या करेंगे, हम इवेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको मोर ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट करना है जो कि डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को कोड दिया गया है। यहाँ पर कोड को आप लोगों को कॉपी कर लेना है। यानी यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स शैडो, यहाँ पर टेक्स लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे शैडो, यहाँ पर टेक शैडो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि हमने लिखा है इस टाइप से। और आप लोगों को नीचे जो यहाँ पर देख रहे हैं इंटर ए वेरिएबल नेम, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप लोगों को बुलियन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जो कि बुलियन लिखा गया है। यहाँ पर आप लोगों को व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जाके आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर ऐड कर देना है। आप ऊपर पे देख सकते हैं कि टेक्स्ट लिखकर एक टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया है। और नीचे हम यहाँ पर लेबल लिखा गया है, तो इंटर योर लेबल बोल रहा है, तो आपको लेबल जो है देना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ग्लैरिटी, या पर कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेबल जो कि लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लेबल लिखने के बाद ऐड कर देंगे और ऊपर वाले ऑप्शन पे आपको नंबर ऐड करना है जो कि फर्स्ट में आप लोगों को टेक्स्ट व्यू के अंदर सिलेक्ट कर देना है यहाँ पर। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो है वेरिएबल वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर नंबर वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको वीडियो को ठीक से देखना है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं नंबर के अंदर, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सी। ठीक है, तो सी करने के बाद हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद नीचे आप लोगों को फिर से लेबल दिख रहा है, लेबल के अंदर आप लोगों को कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स। ठीक है, एक्स लिखने के बाद ऐड कर देंगे, ऊपर वाले ऑप्शन पे हमें एक्स लिखना है, हम एक्स लिखेंगे और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। यानी आपको ऐड कर देना है एक्स को। एंड नीचे हम लिखेंगे वाई और ऊपर वाले ऑप्शन पर हम लिखेंगे वाई, ऐड कर देना है इसको। तो हमने y को पहले ही ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, लेवल को फर्स्ट ऐड करना था। हम यहाँ पर काटेंगे एक बार और नीचे वाले ऑप्शन पे हम लिखेंगे y एंड ऊपर वाले ऑप्शन पे लिखेंगे y, तो ऐड कर दिया। और नीचे आप लोग को नंबर पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है कलर। तो पहले हम लिखेंगे लेवल पर कलर कलर, एंड आपको यहाँ पर लिखना है कलर, एंड आपको स्ट्रिंग को जो है ऐड कर देना है। तो हमारा देख सकते हो गया है टेक्स्ट शैडो लेबल एक्स वाई एंड कलर, यहाँ पर आपको ऐड वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड को ऐड कर देना है। एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट शैडो जो है ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर हम एंटर करेंगे, कोड दिया गया है, कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है ऐड सोर्स डायरेक्टली के अंदर पेस्ट कर देना है। तो हमने पेस्ट कर दिया है, अब आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जो टेक्स्ट लिखा गया है, हमने यहाँ पर जो लिखा था टेक्स्ट ये देख सकते हैं। हमने कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप से आप लोगों को वेरिएबल नीचे वाला दे सकते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। यहाँ पर आपको नीचे वाला जो आपको दिख रहे हैं ये वाला आपको देना है। एंड आपको यहाँ पर सी हमने लिखा था, देख सकते हैं सी, तो इस सी को हमने यहाँ पर लिखा है। एंड यहाँ पर एक्स जो है एक्स को हमने लिखा है, एंड वाई जो है वाई को हमने लिखा है, एंड कलर जो है कलर को हमने इस टाइप से लिखा है। आप कुछ भी यहाँ पर अलग से लिख सकते हैं, लिखने के बाद इस टाइप से आप लोगों को कोड को डालना है। तो आपका जो है टेक्स्ट शैडो क्रिएट हो गया है। आप आपका जो है वन क्रिएट के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी किसी भी जगह पर आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमारा टेक्स्ट व्यू वन है। लेवल आपको दे देना है एट लेवल देंगे, एक्स पर हमें ऐड देना है
वहीं पर हमें हिट देना है। यानी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कलर, तो ये वाला जो ऊपर वाला कलर है यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ फिर अलग कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कलर आप लोगों को लेने के लिए फर्स्ट में आपको रेडी वाला एप्लीकेशन के अंदर जाना है। यहाँ पर आप कलर को चॉइस कर सकते हैं किसी भी कलर को, एंड कॉपी करके हमें जो है ये वाला ऑप्शन के अंदर आपको हैशटैग देने के बाद पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हैं टेक्स भी हमारे जो वन है इसका कलर शैडो रेडी है। आप मोर ब्लॉक के अंदर मेनू के अंदर जाके यहाँ पर भी शैडो कलर को अटैच कर सकते हैं, जैसे कि हमने मोर ब्लॉक के अंदर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि यह जो बटन टू है यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो ये वाला बटन टू जो हमारा आईडी है इसको कॉपी कर लेना है, एंड यहाँ पर आपका जो है कोड एडिटर पर जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो लेबल दिया गया है यहाँ पर आप कुछ भी लेबल दे सकते हैं। हमने 8 दिया है, एक्स को आप चाहे तो 6 दे सकते हैं, वाई को चाहे तो 10 दे सकते हैं, हमने 7 दिया है। और कलर आपको हैशटैग देने के बाद जो कलर है वो पेस्ट कर देना है। तो कलर ये तो नहीं है, कलर को पेस्ट कर देंगे। तो गाइस देख सकते हैं और आगे जाके हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे और बाकी वीडियो आप लोगों का आगे का प्रोसेस में ये कंटिन्यू है चाहे तो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है सबसे फास्ट आप लोग को इसके चेयर का वीडियो पाने के लिए। चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट बोल रहे हैं, अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर अपडेट हो गया है गाइज, यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं ये हमने जो लीनियर शैडो यहाँ पर दिया था ये बहुत ही ज़्यादा शानदार टाइप से शैडो आ गया है। और हम ये वाला ऑप्शन के अंदर जाके देखेंगे कौन सा शैडो हमने दिया था। शायद ही हमने ये वाला देख सकते हैं लोगो लिखा है, ये शैडो दिया था जो कि यहाँ पर दिखा रहा है शानदार टाइप से। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।